अब जहाँ तक कि खुशी का सवाल है, खुशी बहुत है. बहुत अच्छा लगा जब फिल्म का रिस्पांस अच्छा रहा, ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा रहा. जहाँ तक कि कलेक्शन का सवाल है, अंतर्यामी नहीं हूँ, बता नहीं सकता कि कहाँ तक जाएगी. ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही. ये फिल्म की थी, बस उतना ही कॉन्फिडेंस था, बाकी नर्वसनेस काफ़ी थी इस फिल्म को लेकर. बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए हमने कई फिल्में साथ में की हैं और आगे भी यही है कि साथ में और काम करना चाहेंगे एंड कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करेंगे. वही मैं कह रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी स्क्रिप्टें मिलती हैं, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत से मिलती है, और अच्छी स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ. ऐसे तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, दिन में 2-3-4 आते हैं, लेकिन कौन सी अच्छी लगती है वो आप पे डिपेंड करता है एंड आपके लक पे डिपेंड करता है. सो आई होप और कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करेंगे. सबसे पहले तो ये है कि एक कई असल ज़िंदगी की घटनाओं को लेके वो फिल्म बनाते हैं, और ऐसे सीन्स ऐसी स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट लिखते हैं कि जब हमने जो हमने कभी किसी DVD में नहीं देखी, कोई लैंग्वेज में नहीं देखी, तो कुछ नया चीज़ देखने मिलता है. और उनका टेक जो होता है स्क्रिप्ट को लेके बहुत अलग ढंग से होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग हैं. अक्षय, इस बात में इतनी सच्चाई है कि सारा होमवर्क नीरज खुद ही कर लेते हैं, आसानी होती है जी, इसमें 100% सच्चाई. अब जब रुस्तम इस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपने कहा था कि पार्टी वगैरह भी होगी. और जी मैंने कब कहा था ये? आपने कहा था आप दूसरे डायरेक्टर्स के दूसरी फिल्म के टीम के साथ भी पार्टी करेंगे, दोनों फिल्में कामयाब होती. हाँ वैसे तो अभी तक तो पता नहीं है इसका, पता नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त ये इंटरव्यू ख़त्म करके लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी शूटिंग है जॉली LLB की, तो पार्टी का तो अभी पता नहीं है. थैंक यू. आई थिंक बायोपिक हैज़ बीन पिक्ड अप बाय ऑडियंस इन अ गुड वे, एंड it's great that biopic is something like it's about great person's story which comes in front of audience and they would love to see how they became great. So it's good to make biopic. Biopic works for India, and so it's good that people are making it. Actually abhi tak socha nahi iske bare mein. मुझे नहीं पता इसके बारे में. यही कि इट्स गुड दैट पीपल एक्नॉलेज पीपल्स वर्क
And at one of the functions, at one of the places where I thought they have acknowledged it, and I should also acknowledge it. So I just gave them some checks, and that's it. हाँ जी जनाब पूछिए ना जी सर हाउसफुल थ्री के समय आपने कहा था कि जो अलग जॉनर की फिल्म करने जा रहा हूँ पहले आपने हॉलीडे ले ली उसके बाद हाउसफुल थ्री कॉमेडी थी तो क्या थॉट प्रोसेस होता है और अभी उस तक तो क्या थॉट प्रोसेस होता है जब कोई भी फिल्म आपके पास आती है या फिर आप साइन करते हो थॉट प्रोसेस यही होता है कि फिल्म चले बस इतना ही होता है जैसे हमें मालूम है आपने पहले भी ले ली हो या फिर कोई भी रियल स्टोरी बेस्ड मूवी की है तो जैसे अभी आपने कहा कि अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो अगर आपको मौका मिले बाला साहब ठाकरे पे तो उनकी रियल बेस्ड स्टोरी मूवी करने का मौका मिले तो आप करेंगे I don't know whether I suit. First of all, जो भी बनाएगा, he has to think whether I suit the character or not. आप किसको suitable actor मानते हैं Bollywood में? मुझे नहीं पता। मैंने इसके बारे में आज आप अगर इतनी जल्दी पूछोगे, तो मैं नहीं कह सकता। इसके बिना इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि it's a big character you're playing. It is not a small personality. It's a big personality you're talking about. So I cannot answer this like this. जैसे हमने देखा कि आपकी मूवी रुस्तम को Bollywood आपके दोस्तों ने बहुत promote किया है आलिया भट्ट वो जी मैं उनको पर्सनली कह दूंगा नहीं जी मैं पर्सनली कह दूंगा पार्टी वार्टी भी कर लूंगा अगर करना तो जी मुझे अभी तक नहीं पता अभी तक सोचा नहीं इसके बारे में जनाब कहाँ देखने मिलेगा पोस्ट प्रमोशन अभी फिल्म रिलीज हो गई है क्या अभी भी कुछ ऐसा क्रिएटिव चीजें देखने के लिए मिलेंगी नहीं जी मैं समझ रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ अभी अगली फिल्म के लिए माय कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी ऑन दैट फिल्म नाउ बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दैट फिल्म एंड आई डोंट नो माय प्रोड्यूसर जी एंड दे आर गोइंग टू थिंक ऑफ इट व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू कम अप विद समथिंग गुड अभी फिलहाल नहीं कह सकता अभी तो चालू हुई है फिल्म एंड मैंने रिसर्च जैसे इन्होंने कहा कि मैं रिसर्च नहीं करता हूँ मेरे डायरेक्टर डायरेक्टर ही कर लेते हैं तो बेस्ट है मेरे डायरेक्टर ही करते हैं ओके अक्षय अभी 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 थोड़ी देर पहले आपने कहीं इंटरव्यू में कहा दौरान कि किसी को भी सम्मानित करना जब हम बात करते हैं नेवी की या एयरफोर्स की या मिलिट्री की बैकग्राउंड की वो जब उनको सम्मानित करा जाता है सर्टिफिकेट दे दिया या एक मेडल दे दिया पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आप इस बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे आप वाई उसकी थिंग को और ऑलवेज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक इट इज वेरी प्रैक्टिकल आई थिंक क्योंकि जो लोग इन सब चीज़ों से सम्मानित होते हैं ठीक है बहुत बड़ी बात है एक सर्टिफिकेट मिलना मेडल मिलना बहुत बड़ी बात है लेकिन आप इतने सारे लोग खड़े हैं मैं आपसे सबसे प्रश्न पूछता हूँ क्या पैसे मिलना डोंट यू थिंक सो दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल क्योंकि मैं देखता हूँ उन लोग आते हैं कितने गरीब खानदान से होते हैं कई लोग जिनको पैसों के मैंने कई बार देखा है अपने मेडल बेच के वो पैसे लेना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम घटनाएँ आप सब सुन चुके हैं सो इट इज़ बेटर कि जब आप सम्मानित करो उनको मेडल के साथ भी करो पैसों से भी करो इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ जी वो तो बहुत अच्छा है इस टाइम हम इसे इन्होंने रखा भी है हमारे गवर्नमेंट ने कि जो भी जीतेगा ओलंपिक के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर ब्रॉन्ज उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे सो इट्स ऑलरेडी बीन देयर सो वी डोंट नीड टू पास हिम ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब नहीं जी फिलहाल मैंने नहीं देखी मैम बट आई श्योरली होप गोइंग टू सी इट वेरी सून आमतौर पर जब फिल्में क्लैश होती हैं तो एक्टर्स के बीच में नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल बट लाइक देख सकते हैं राइवलरी काइंड ऑफ होती है बट इस फिल्म के दौरान हमने देखा आपके नेबर को आपने सपोर्ट किया आपके नेबर ने इस फिल्म को सपोर्ट किया एंड वी सी द ट्रेंड चेंजिंग इन बॉलीवुड दीस डेज़ आई डोंट नो अबाउट द ट्रेंड बट श्योरली वी बोथ आर वेरी गुड नेबर्स एंड very happy neighbors and we respect each other
and that's the most important thing. That's it. Okay, can we just ask something about Robocop 2, if you can talk about? I'm not allowed to talk there. My whole agreement will get cancelled. Okay, cannot tell us. So you will wait for the movie to come out. Yeah. Anything else? You. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.